नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें बटुए या पर्स में कभी नहीं रखना चाहिए। आजकल के समय में दोस्तों, सभी लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ धन या पैसे जरूर रखते हैं। इस पैसे को रखने के लिए सभी लोग बटुए या पर्स का प्रयोग करते हैं। इसलिए दोस्तों, पर्स सभी लोगों के जीवन में प्रयोग किए जाने वाली एक खास वस्तु है। इसके साथ ही ज्योतिष और वास्तु के अनुसार भी पर्स धन रखने की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अपने पर्स में धन रखने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी रख लेते हैं जिन्हें पर्स में रखना नुकसानदायक होता है। वह अपने पर्स में धन रखने के साथ ही कुछ गैर जरूरी वस्तुएं भी भर लेते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो कुछ ऐसी वस्तुएं भी अपने पर्स में भर लेते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, लोगों की ऐसी आदतों को आर्थिक हानि और धन में कमी का कारण माना गया है। इन चीज़ों को पर्स में रखने से ना केवल धन की हानि होती है बल्कि व्यक्ति की सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पर्स या बटुए में धन के साथ रखना नुकसानदायक होता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने पर्स या बटुए में धन के साथ भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। पर्स में दोस्तों, उधारी वाले कागज, पुराने बिल, फालतू कागज या टिकट आदि कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एक तो ऐसी चीज़ों पर राहु ग्रह का प्रभाव होता है, दूसरा यह चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती हैं। इसके साथ ही यह चीज़ें पर्स में पड़ी पड़ी दरिद्रता का कारण भी बनती हैं। इन चीज़ों को पर्स में रखने से पर्स में रखे धन में ठहराव कम हो जाता है और व्यक्ति के फालतू खर्च भी बढ़ते हैं और कई बार व्यक्ति को धन की हानि का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, पर्स में जो भी अनुपयोगी सामग्री है, बेकार है, काम की नहीं, उसे जितनी जल्दी हो सके आपको अपने पर्स से बाहर निकाल देनी चाहिए। पर्स में दोस्तों, फटे पुराने नोटों को रखना भी गलत माना जाता है, क्योंकि एक तो यह नोट बाजार में चलते नहीं, यह रद्दी की तरह पर्स में पड़े रहते हैं जिससे पर्स में नकारात्मकता बढ़ती है और पर्स में पैसा भी कम टिकता है। दूसरा, यह फटे पुराने नोट व्यक्ति की मनोस्थिति को भी बेचैन करते हैं और सोच में नकारात्मकता लाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको पर्स में धन की बरकत के लिए फटे पुराने नोटों को रखने से भी हमेशा बचना चाहिए। पर्स में दोस्तों, कोई अश्लील फोटो या कोई अन्य अश्लील सामग्री भी कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पर्स की बरकत खत्म हो जाती है और इससे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता भी बढ़ने लगती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके पर्स में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा रहे, यानी कि आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहे, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पर्स में दोस्तों, किसी तरह की चाबी भी कभी नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह घर के ताले की हो या वह फिर दुकान के ताले की हो। दोस्तों, इसका कारण यह है कि जब भी किसी व्यक्ति द्वारा अपने पर्स में चाबी रखी जाती है तो इससे व्यक्ति को लगातार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है और इससे उसके पर्स में रखे धन में भी कमी आती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको आर्थिक तंगी से बचना है तो आपको अपने पर्स में चाबी भी कभी नहीं रखनी चाहिए। पर्स में दोस्तों, आपको अपने किसी प्रियजन, मृतक व्यक्ति की फ़ोटो भी कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो यह शुभता की दृष्टि से उचित नहीं है, दूसरा वास्तु के अनुसार किसी भी मृतक व्यक्ति की फ़ोटो को पर्स में रखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मृतक व्यक्ति की फ़ोटो को पर्स में रखता है तो इससे पर्स की बरकत में कमी आती है और कई बार व्यक्ति को आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने किसी मृतक व्यक्ति की यादों को सजो कर रखना चाहते हैं तो आप उसकी यादों को अपने दिल में सजो कर रखें, ना कि पर्स में। पर्स में दोस्तों, नोटों को मरोड़कर या अव्यवस्थित ढंग से कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का निरादर होता है जिससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, यानी कि आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहे, तो आपको अपने पर्स में नोटों को हमेशा सीधा और व्यवस्थित ढंग से ही रखना चाहिए। पर्स में दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई दवाई
या दवाई की रसीद रखनी भी धन के लिए शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि यह चीज़ें भी पर्स में नकारात्मकता बढ़ाने का काम करती हैं। यह चीज़ें ना सिर्फ पर्स पर बल्कि व्यक्ति के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कई बार तो व्यक्ति का पैसा केवल बीमारियों पर ही खर्च होता रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने पर्स में किसी भी प्रकार की कोई दवाई या दवाई की रसीद भी कभी नहीं रखनी चाहिए। पर्स में दोस्तों लोहे की कोई भी नुकीली चीज़ जैसे पेन, ब्लेड, चाकू आदि चीज़ें भी कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में यह चीज़ें आर्थिक नज़रिए से पर्स के लिए शुभ बताई गई हैं। इन चीज़ों को पर्स में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे व्यक्ति के काम में बाधा आती है, और कई बार यह चीज़ें अनजाने में व्यक्ति के लिए, खुद के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपने पर्स में लोहे की कोई भी नुकीली चीज़ भी कभी नहीं रखनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अपने पास फटा हुआ पर्स भी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा पर्स आर्थिक हानि कराने वाला माना जाता है। ऐसे पर्स में धन कभी टिकता नहीं, बल्कि पर्स में रखा धन फालतू चीज़ों पर खर्च होता रहता है, यानी कि पर्स में रखे धन में बरकत नहीं हो पाती। इसलिए दोस्तों, यदि आपका पर्स थोड़ा सा भी फटा हुआ है तो आपको इसे तुरंत ही बदल लेना चाहिए। पर्स में दोस्तों कोई भी नशीला पदार्थ, पान मसाला या गुटखा आदि चीज़ें भी कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पर्स में रखने से व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव हमेशा बना रहता है, और इससे व्यक्ति को कई बार धन हानि का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को भी पर्स में रखने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें, और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।